डायरेक्टर राजकुमार संतोषी पूरे 9 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। जी हाँ, 26 जनवरी को फिल्म गांधी गोट से एक युद्ध रिलीज होने वाली है। फिल्म में दीपक अंतानी और राजकुमार संतोषी की बेटी तनीषा संतोषी डेब्यू करने वाले हैं। वहीं चिन्मया मंडलेकर भी फिल्म में एक अहम रोल अदा करते दिखेंगे। स्टार कास्ट जोरों शोरों से फिलहाल अभी फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं। राजकुमार संतोषी ने फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। इस लिस्ट में घायल, घातक दामिनी, अंदाज अपना अपना, खाकी, अजब प्रेम की गजब कहानी जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। इस बारी 9 साल बाद राजकुमार संतोषी फिल्म गांधी गोट से एक युद्ध के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। वहीं हाल ही में फिल्म गांधी गोट से एक युद्ध की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें बॉलीवुड के कई स्टार्स शामिल हुए। इन्हीं में एक थी सदाबहार एक्ट्रेस रेखा। खास मौके पर एक्ट्रेस रेखा को देखा गया, जहां पर वो ऑफ व्हाइट साड़ी में नजर आई। इस लुक को और भी खूबसूरत बनाने के लिए उन्होंने कानों में गोल्डन कलर की इयररिंग्स पहने हुए थे, मांग में हमेशा की तरह सिंदूर लगाया हुआ था। बॉलीवुड इंडस्ट्री की ब्यूटी क्वीन रेखा आज भले ही फिल्मी दुनिया से दूर हों, लेकिन आज भी वो अपनी खूबसूरती के लिए उतनी ही मशहूर हैं जितना वो शुरुआती दौर में हुआ करती थी। वहीं हाल ही में इस स्पेशल स्क्रीनिंग में रेखा को देखा गया, जहां पर हर बार की तरह इस बार भी रेखा अपनी खूबसूरत से लुक में साड़ी अवतार में दिखी। सबका दिल जीतते हुए इस बार भी रेखा नजर आई। इस स्क्रीनिंग के दौरान राजकुमार संतोषी की बेटी और गांधी गोडसे की एक्ट्रेस तनीषा संतोषी भी रेखा के साथ वहां मौजूद। वहीं तनीषा संतोषी ने जैसे ही एक्ट्रेस रेखा को एंट्री करते हुए देखा, वो उनके ओर जाती है और भरी महफिल में उन्होंने एक्ट्रेस के पैर छुए। तनीषा संतोषी का यह अवतार देख फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में रेखा ने तनीषा संतोषी को गले लगाया, फिर दोनों ने मीडिया के आगे फोटोशूट भी कराया। वहीं बात अगर फिल्म की बताएं तो फिल्म रिलीज से पहले ही काफी विवादित हो चुकी। फिल्म को लेकर लोग काफी रिएक्शन दे रहे हैं। वैसे अब ये फिल्म कैसी होगी, क्या ये लोगों की उम्मीद पर खड़ी उतरती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस मेरे लोगों से यही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि वो ओपन माइंड से फिल्म आके देखें। चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।